इनडायरेक्ट फायदा जो है मिडिल क्लास को मिलेगा। हाँ मतलब सीधा नहीं। और आपने जो सवाल पूछा चुनावी राज्यों का, चलते हैं बंगाल। आशिका, वहाँ क्या रिएक्शन है कोलकाता में बजट के ऊपर? मतलब क्या लोगों को लग रहा है कि हाँ बंगाल को कुछ ज्यादा दे दिया? देखिए, बंगाल शिकायत तो नहीं कर सकता है। 675 किलोमीटर लंबी सड़कें, 25,000 करोड़। मैं लोगों से बात करूंगी, ये बताइए कि बंगाल को जितना मिला, क्या लग रहा है कि चुनाव होने वाले हैं इसलिए इस बार इतना मिला? नहीं देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि चुनाव होने वाला है तो इसलिए बंगाल को इतना सब कुछ मिला है। आगे भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन राज्यों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं जो पीछे हैं उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते। तो आप ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि राज्य पीछे इसलिए इतना मिला है कि चुनाव आने वाले हैं इसलिए इतना मिला है? नहीं, मेन बात है ये कि देखिए 34 साल जो CPM गवर्नमेंट इसको पीछे किया, कल कारखाना बंद किया, उसके बाद 9 साल आपका TMD शासन में जो गया, इसको लेकर केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देखा। आप ये बताइए कि जो सड़कें हैं उस पर विशेष ध्यान दिया गया है, पश्चिम बंगाल की सड़कों को लेकर के शिकायत शुरू से रही है, अब क्या उम्मीद है? अब उम्मीद यही है कि जो हालत जो आप देख भी रही हैं पहले के हिसाब से और बजट के हिसाब से बताया गया है, सड़कें पहले से अच्छी खूबी और अच्छी तरीके से रहेगा और हम उम्मीद करेंगे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी से। 1,000 करोड़, मैं आपसे बात करूं, 1,000 करोड़ जो चाय बागान के कर्मचारी हैं उनको पश्चिम बंगाल और असम के मिला करके दिया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है बार बार कि यही दो राज्य हैं जिनमें चुनाव होने वाला है इस क्षेत्र में, तो इसलिए दिया जा रहा है। देखिए मैं आपसे बात करूँ, चुनाव तो हर साल यहाँ होते हैं, इसके लिए मोदी जी ने बोला भी है कि एक साथ सारे चुनाव होने, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, ये चुनाव तो आते रहेंगे ऐसा जब तक ये नियम चेंज नहीं होगा। और रही बात 1,000 करोड़ रुपये यहाँ पे चाय बागान मजदूरों को देने के लिए, तो यहाँ की जो ममता बनर्जी की सरकार है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। चाय बागान हमारे पश्चिम बंगाल और के खासकर दार्जिलिंग इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और यहाँ के मजदूर और पश्चिम बंगाल सरकार खासकर उस पर डिपेंड है, तो चाय बागान के लिए 1,000 करोड़ रुपये देना मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी। आप ये बताइए कि जितना मिला बंगाल को काफ़ी मिला या और उम्मीद थी? बहुत मिला, किसी गरीब को नहीं मिला है, सब लेकर रख दिया गया है। जाइए किशोर, ये पश्चिम बंगाल की आवाज़, ये एक तरफ से जो रजत हमारे साथ हैं। रजत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने काफ़ी काम किया है नॉर्थ ईस्ट में। जी, तो आप ये बताइए कि ये क्या चुनावों की वजह से हुआ रहा है या पिछड़ा इलाका था इस वजह से इधर दिया गया है, जो भी दिया गया है? दोनों बातें हैं मुझे लगता है। ये पिछड़े हैं इलाके हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि चाय बागान जो असम के और बंगाल के चाय बागान हैं वो शायद सबसे ज़्यादा पिछड़े हिस्से हैं पूरे देश के। और ये पूरे देश को चाय ज़रूर देते हैं, सप्लाई होती है वहां से, लेकिन वो जो ओनर्स हैं वहां पे बड़े बड़े टी एस्टेट्स के, सिर्फ उन्हीं के पास कमाई जाती है। जो मजदूर हैं वहाँ पे, जो मजदूर परिवार हैं वहाँ पर, उनकी स्थिति इतनी दयनीय स्थिति में रहते हैं कि उनके लिए जितना किया जाए उतना कम है। उसको इलेक्शन से ही देख लेना सीमित तरीके से शायद ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है पिछले साल भी और उसके पिछले साल भी लगातार केंद्र सरकार चाय बागान के मजदूरों पर विशेष ध्यान देकर उनको कुछ ना कुछ मॉनिटरी बेनिफिट देती आ रही है। ऑफ बजट होता था, बजट का हिस्सा नहीं होता था, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में चाय बागान के मजदूर हमेशा से रहे हैं। जी अच्छा, मैं अश्विनी जी, जगदम्बिका पाल जी ने एक बात कही कि वो जो 3 साल तक को ये फेसलेस, और 3 साल तक एक तलवार लटकी, 6 साल तक लटकी रहती थी तलवार, कि आपको 6 साल पहले का भी सवाल पूछा जा सकता है इनकम टैक्स को लेकर, अब वो 3 साल हो गया है। देखिए, ये मैं इस पर प्रतिक्रिया देना चाह रहा था। अच्छा है आपने सवाल पूछा। दो बातें उन्होंने रखी और दोनों बातों के ऊपर मैं कुछ कहना चाहूँगा। पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि देयर शुड बी फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन, यानी कि जो भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए। जो तलवार है वो लटकी नहीं रहनी चाहिए ना किसी भी नागरिक के ऊपर। तो पहले समय सीमा 6 साल थी। अब उन्होंने भरोसा जताया सभी करदाताओं पे, अच्छा किया उस 6 साल की समय सीमा को, यानी कि केस रीओपन करने की जो समय सीमा है सेक्शन 140, यानी आपके ऊपर अगर इनकम टैक्स का कुछ केस है तो वो 3 साल पहले तक का हो सकता है, 3 साल तक पुराना खोला जा सकता है। पहले 6 साल की समय सीमा थी और अब उसको घटा के 3 साल कर दिया है, यानी कि जो भी निपटा। मैं रोक रहा हूं आपको, कुछ फारूक अब्दुल्ला साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, सुनते हैं। के लिए नहीं है जैसा कि आप कह रहे हैं। भैया मैं कहता हूं, कहने को तो बहुत कुछ है, अब कितना निकलेगा इसमें से वो पता लगेगा। खैर, ये पार्लियामेंट के बाहर से जो भी उधर से, तो अभी वो कुछ कहना चाह नहीं रहे। हाँ,
तो 6 साल की समय सीमा को घटा के 3 साल किया है, और जो 10 साल की समय सीमा जो थी जिसमें कि एक टैक्स इवेजन की अमाउंट 50 लाख से नीचे होगी, तो अगर 50 लाख से नीचे रहती है तो वो भी 10 साल की समय सीमा को घटा के 3 साल कर दिया जाएगा। यानी कि 50 साल से ऊपर टैक्स इवेजन है तो 10 साल तक हो सकता है। तो यानी कि जो सीरियस ऑफेंडर्स नहीं हैं उनके लिए अब 3 साल तक की ही आपके लिए एक तरह से अनसर्टेनिटी बनी रहेगी कि आपका सबका कर का निपटारा हुआ है नहीं। दूसरी बात, उन्होंने एक बहुत अच्छी कही लेकिन उस पर मेरी प्रतिक्रिया कुछ और है कि फेसलेस किया जा रहा है असेसमेंट। इस तरह से आप इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल को भी फेसलेस कर रहे हैं। ये उस बात को शायद ठीक से कह नहीं पाए, मैं उस बात को ठीक से कहता हूं कि सच्चाई क्या है। असेसमेंट फेसलेस हो रही है, इसका मतलब ये कि आपकी जो एक मिनट में रोक रहा हूं, कार्तिक चिदंबरम सिस ट्रैवलिंग फ्रॉम केरला टू तमिलनाडु टू बंगाल एंड टू असम, दैट्स द ओनली थिंग व्हिच केम अबाउट। इट्स क्लियरली एन अटेम्प्ट टू to curry favor with the states which are going to polls, but these are all only announcements and the proof of the pudding is only in the eating, and we'll have to really see whether these are all implementable, but it's only aimed at grabbing eyeballs in poll bound states without any substance. विपक्ष का लगातार ये कहना कि साहब सिर्फ allocations हैं, और सिर्फ allocations हैं, और वो भी जैसा कार्तिक चिदंबरम साहब ने कहा कि एक रोकते हैं आपको। पेंडेमिक के बाद जिस तरीके से कोरोना से ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रखी है, उसके बावजूद इतना संतुलित बजट देना जहाँ पे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सीनियर सिटीजन सब को जिस तरीके से इसमें रिलैक्सेशन दी गई हैं, किसानों का जहाँ पे एक तरफ ज्वलंत मुद्दा उठ रहा है उसमें जिस तरीके से पिछले 7 सालों में सरकार के रहते हुए किसानों के इन्होंने स्टैट्स जिस तरीके से सामने दिए जिसमें बताया कि कैसे उनकी बेहतरी के लिए सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है इस पेंडेमिक के दौरान इससे बेहतर और इससे संतुलित बजट और नहीं हो सकता। तो विपक्ष का कहना है कि साहब गाड़ी जो है वो तमिलनाडु पुदुचेरी केरल और आसाम और बंगाल घूम रही थी बजट की, और सत्ताधारी पार्टी के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया हो नहीं सकता था। सुनिए बंगाल से सांसद, बंगाल को भी दिया गया, हमारी सरकार किसी एक राज्य और किसी एक इलाके की सरकार नहीं है, ये पूरे देश की सरकार है और उसने अपने जो धर्म है वो किया। आपकी नज़र में बजट कैसा है? बहुत ही अच्छा है, सबको लेके चला गया है, सबके साथ काम किया गया। तो सत्ताधारी दलों के जो नेता हैं, एनडीए के जो नेता हैं, चिराग पासवान अभी भी अपने आप को इंडिया का कहते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा है। हालांकि वो तो जब बिहार का बजट आएगा तब देखना होगा कि वो उसको कितना अच्छा बताते हैं। बहरहाल मैं वो बता रहा था आपको। जी जी हाँ, कि फेसलेस का मतलब क्या है ये बहुत जानना जरूरी है। असेसमेंट फेसलेस हो रही है, इसका मतलब ये कि किसी भी करदाता को आयकर अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं है और सब कुछ डिजिटली उसका तय कर दिया जाएगा उसके ऊपर कितना टैक्स बनता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सीएटी अपील तक भी ठीक है, पहली अपील तक। लेकिन जब कोई करदाता परेशान होता है तो फरियाद के लिए कहां जाता है? तो पहला दरवाजा वो हाईकोर्ट का नहीं खटका पाता, पहला दरवाजा वो खटकाता है इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल का, आयकर अपीलीय अधिकरण, क्योंकि वहां उसकी फरियाद सुनी जाती है, वहां जजेस की तरह ट्राइब्यूनल मेंबर बैठे हैं, वो उनकी बात सुनते हैं, वो अपनी बात रख पाता है, अपनी शिकायत रख पाता है। लेकिन अगर हम इसको भी फेसलेस कर देंगे तो वो अपनी बात कैसे पहुंचा पाएगा, अपनी शिकायत किसको दर्ज करेगा? कि वो फेसलेस नहीं किया जाना चाहिए, वो कैसे कोर्ट की प्रणाली को कैसे फेसलेस कर दोगे आप? वो कैसे अपनी बात रखेगा, अपना दर्द किसको बताएगा, अपनी शिकायत किसको बताएगा? रजत जी इस पे कुछ कहेंगे आप? देखिए, उसको फेसलेस पूरी तरह से नहीं किया गया है, उसमें प्रावधान रखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से, अगर जैसे अभी सारे कोर्ट के जितने भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वीडियो कॉल्स पे हो रही हैं, वीडियो कॉल का प्रावधान रखा गया है। और ये भी कोशिश की गई है कि जितना इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस कम हो सके, क्योंकि फिजिकल इंटरफेस होता है तो करप्शन की संभावनाएं बढ़ती हैं, और उससे जितने भी टैक्स दाता है सब परेशान होते हैं, तो जितना ज्यादा फेसलेस होगा उतना ही ज्यादा बोला था वो फेसलेस बोला था मैडम ने, इसलिए अगर वो प्रोविजंस में अगर उसको फेसलेस ना करके ऑनलाइन किया गया है वहां तक हम स्वागत करेंगे, तो अगर लेकिन फेसलेस करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो जरा फाइन प्रिंट पढ़ के ही इसका निर्धारण ठीक से हो सकता है कि क्या करने वाले हैं। रजत आप कह रहे हैं ट्रिब्यूनल पे फेसलेस नहीं है? नहीं, देखिए उन्होंने बोला कि अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो कॉन्फ्रेंस को यूज करते हुए इसका समाधान होना चाहिए, उन्होंने ये पूरी तरह से नहीं बोला कि पूरा फेसलेस हो जाएगा जी, वीडियो कॉल जरूर रहेंगे। चलिए ये एक बिंदु जिस पे और क्लैरिटी की शायद जरूरत है। रजत कह रहे हैं कि नहीं, वो पूरा फेसलेस की बात नहीं है। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स क्या कह रहे हैं, सुनते हैं संजय अग्रवाल जी।
business and to give further loans. We are looking at various schemes in which faceless assessments have been now extended for the income tax assessees. So all those things are, I think, on a positive direction. Of course, we would have expected much more. We expected the National Infrastructure Pipeline expenditure in this year to be above 20 lakh crores. We don't see that coming immediately from the budget numbers. तो जैसा जो दिशा है उससे तो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स भी